पे प्रसाद वगैरह बट रहे हैं। जय शंकर महाराज। और कैसे आप सभी लोग, और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे साथ में एक नई ब्लॉग में। और हमारे छोटे पंडित जी की रूप देखे आप जी। सीनू पंडित जी कहाँ जा रहे हो? हेलो। और ये हमारे छोटे पंडित जी सीनू महाराज। चलो मंदिर मंदिर चलो। सीनू सीनू चलो मंदिर। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ ओंकारेश्वर मंदिर महादेव और एक दो मंदिर और चलते हैं, घुमा के आते हैं आपको। तो यूके प्रांजल भाई, आज का प्लान क्या होने वाला है हमारा? हम जा रहे हैं भोले सर मंदिर में, आज वहाँ थोड़ा बहुत घूमेंगे, पूजा करेंगे आज। और उसको आज का जो प्लान होने वाला है वो होने वाला है, हम दोनों एक बार जाएंगे भोलेश्वर मंदिर, उसके बाद हनुमान मंदिर, और उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर जहाँ पे बाबा केदारनाथ की डोली के खुलने के दिन तय होगा। तो चलिए महादेव के इस मंदिर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और इसे बुआ कहा जाता है। वैसे हमने यहाँ की वीडियो पहले ही बनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनाई थी। और अभी चलते हैं। और जो यहाँ का जो मंदिर है, ये वाला यहीं पे स्थित है, उखीमठ यहीं पे सामने पे उखीमठ है, वो सामने गुप्तकाशी, और सामने से पूरी श्रृंखला दिख रही है पर्वतों की, और हर हर महादेव। और अभी चलते हैं अब एक बार हनुमान मंदिर, उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर जहाँ पे कि बाबा केदारनाथ की कपाट के खुलने के दिन हो रहे। थोड़ा चढ़ाई चढ़ के आखिरकार आएंगे मंदिर में, और देखिए कैसे सजा रखा है आज शिवरात्रि के अवसर पे। यहाँ पे प्रसाद वगैरह बट रहे इष्ट कुल देवता प्यो नव ग्राम देवता प्यो नव वास पुरुषा अंबिका भ्याम नमः भगवती चंडिका भेदे नमः बाराहि 25 मिनट प्रातः अमृत वेलायाम श्री 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 भगवत केवारेश्वर कपाटोद्घाटन श्री श्री संकर जी महाराज की।
देव की जो डोली है वो 6 तारीख को केदारनाथ में पहुंचेगी और 6 को कपाट खुलेंगे। सो फाइनली बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन तय हो चुका है और वो दिन है 6 मई को सुबह के 6:25 पे बाबा केदारनाथ के कपाट आप सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। और अभी थोड़ा एक रीज़न की वजह से, क्योंकि हमने जब एक गाड़ी लगा रही थी वहाँ पे जो है मालिक का कॉल आ गया है कि गाड़ी हटा दीजिए, तो चलते हैं अभी गाड़ी हटाते, उसके बाद मिलते हैं आपसे।